दोस्तों आखिर क्यों नहीं आया अभी तक सिंघम 3 का टीज़र? ये सवाल हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि दोस्तों सिंघम 3 काफ़ी बड़ी फिल्म रहने वाली है और ये मूवी साल दिवाली के खास मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज़ की जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही कम समय रह गया, लेकिन अभी तक टीज़र भी हमें देखने के लिए नहीं मिला है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो इसके डायरेक्टर रोहित शेट्टी, वो इसका टीज़र नहीं ला रहे। लेकिन दोस्तों आज से पहले किसी भी फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ कि टीज़र आने में इतना ज़्यादा डिले किया जा रहा हो, बस सिंघम अगेन मूवी के साथ ही किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब से स्त्री 2 मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है, तभी से दोस्तों रोहित शेट्टी थोड़ा डर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा कन्फर्म है कि रोहित शेट्टी डरे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी की फिल्म जो सिंघम अगेन मूवी रहने वाली है, वो दिवाली के खास मौके पर भूल भुलैया 3 से क्लैश होगी। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया 3 जो कि कार्तिक आर्यन की फिल्म है, और ये मूवी दिवाली के खास मौके पर सिंघम अगेन से क्लैश होगी। दोस्तों 15 अगस्त को 3 फिल्में रिलीज हुई थी, खेल खेल में, वेदा और स्त्री 2, और दोस्तों दोनों ही फिल्मों को पछाड़कर स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर बन गई और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और दोस्तों ऑडियंस की इतनी ज़्यादा भारी सपोर्ट को देखते हुए रोहित शेट्टी सोच रहे हैं कि क्या अगर हम सिंघम अगेन को इसके साथ क्लैश करेंगे तो क्या भूल भुलैया 3 को ऑडियंस ज़्यादा सपोर्ट ना कर दे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय कॉमेडी हॉरर फिल्मों का ज़्यादा क्रेज चल रहा है, और दोस्तों इसी वजह से अभी रोहित शेट्टी टेंशन में चल रहे हैं, और इसी वजह से वे सोच रहे हैं कि क्या हमें भूल भुलैया 3 के साथ इस मूवी को लाना चाहिए या फिर नहीं। और जब तक इस बात का पूरा मसला हल नहीं हो जाता, तब तक सिंघम 3 का टीज़र हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी भी खबर आ रही है कि सिंघम अगेन मूवी को पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म जो कि 2 अक्टूबर को आ रही थी स्काईफोर्स, उस दिन हमें कोई भी फिल्म देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो डेट बिल्कुल खाली हो गई। और इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंघम अगेन मूवी अगर पोस्टपोन होगी तो हमें 2 अक्टूबर को भी देखने के लिए मिल सकती है। और जैसे कि दोस्तों रोहित शेट्टी अब इसकी जल्दी अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, और दोस्तों फिर उसके हिसाब से हमें इसका टीजर भी देखने के लिए मिल जाएगा। वेल दोस्तों, आप लोग सिंघम अगेन को लेकर अपने राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।